जीरकपुर बल्टाना के शिवा इनक्लेव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर शिवलिंग पर से चांदी का शेषनाग और चांदी की परिधि चोरी कर ले गए। चोरी की ये सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं। चोर टैक्सी नंबर की सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर आए थे, जो संख्या में 4 से 5 के करीब बताए जा रहे हैं। अज्ञात चोरों ने इस चोरी की वारदात को शुक्रवार देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच अंजाम दिया। प्राचीन शिव मंदिर के प्रधान डॉक्टर सतबीर सिंह लाठड़ ने बताया कि करीब 3.5 किलो की चांदी चोरी हुई है। मेरा नाम कुलविंदर सिंह सोही, एक्स प्रधान म्यूनसिपल कौमी डीजरकपर जी। मैं बड़ी ही ये मंदिर च मैं मैंबर भी हाँ, और मैं बड़ा अफसोस होया कि जोड़ा इतने बंदे ने चोरी की शरारत भी की, जिथे चांदी चोरी करके लै गया उत्थे नंदी नूं नुकसान भी पहुँचा के गए, जिन्होंने जिम्मे आप बेअदबी गिणते हैं। तो मैं तो यही बेनती करूँगा भी जो अपना प्रशासन पुलिस बड़ी सख्ती इसनों लेना चाहिए, कोई छोटी घटना नहीं। कलू शहर से कोई होर घटना इदा नहीं वापरे, एक होर वापरे फिर माहौल खराब होने का डर रहा। तो प्रशासन को मेरी बेनती आ भी इन पूरी सख्ती लैके इनकुआरी करके कैमरे च उसे तकरीबन मैं देख रहा उन्होंने काफ़ी कुछ आया हुआ, तो उन्होंने जल्दी तो जल्दी पकड़ के उन्होंने पुलिस के हवाले करके उन्होंने जेल भेजा जाए, तो जो अपना समान आ उन्होंने बरामद करके वो दवाया जाए। यहाँ मंदिर मेरे पास साढ़े 4 बजे फोन गया कि मंदिर में चोरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पंडित जी के पिताजी सोते हैं। हमने जब फुटेज देखी है तो उसमें एक बाउंड पर यहाँ सामने गाड़ी आती है टैक्सी, उसमें से बंदे उतरते हैं, वो बंदे गाड़ी चली जाती है उसी टाइम, उसमें एक बंदा बैठ करके और 2 बंदे जो है ना यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, कोई मैंने गेट पर गया कभी इधर गए कभी इधर गए, तो उन्होंने पूरी रैकिंग करके फिर जो है ना एक सरदार जी जो है ना मेन गेट के पास उसने देखे कि लोग लग रहा है, वो अंदर इंटर कर गए। उसके बाद नहीं लोग तोड़े उसमें ना, ये ऊपर से चढ़ के उन्होंने बाउंड्री में इंटर किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बैक का जो मंदिर का बैक वाला गेट है उसका लॉक तोड़ा और वो मंदिर शिवलिंग पर आए सीधे। वो शिवलिंग पर आकर के उन्होंने हलचल करी क्योंकि अंदर अंधेरा था, बाहर चारों साइड से लाइट जल रही थी, कभी पर्दा हटाते थे कभी मोबाइल की लाइट मारते थे, और उन्होंने जो फिर ये चंदी का इस पर परत लगी हुई थी शिवलिंग के ऊपर और एक किलो का शेषनाग था, वो पहले चांदी का परत उखाड़ी उनने ये हटा करके शिवलिंग का जो पानी का मटका हटाया स्टैंड हटाया, उनने हमें जो हलचल से लग रहा था कि भाई ये खींच रहे हैं उसको परत को, क्योंकि उसमें हथियार वगैरह वो ले रहे थे हाथ में, उनके नजर आ रहा था कि भाई रोड ले रहे हैं या कोई और छेनी वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें उन आकर के देखा वो सारी परत उखाड़ करके उनने 15 मिनट में ही सारा काम कर करके वो बाहर निकलते ही देखे यहाँ इसी बराबर वाले गेट से उन्होंने कुंडी खोली और वो बाहर जो है ना निकलते साइड से निकल गए, उसके बाद वो नजर नहीं आई कहाँ गई। सीसीटीवी कैमरे के अंदर नजर आ रहा है सारा। तो ये रात की है जो है 2:09 पर जो है ना यहाँ हलचल शुरू हुई, 2:18-19 पर बाहर निकल गए। कितने किलो की चांदी थी होगी सर? 3.5 किलो चांदी तकरीबन थी। अच्छा, 2.5 किलो की परत लगा रखी थी और 1 किलो का शेषनाग था। कोई मूर्ति भी खंडित हुई है? कोई मूर्ति एक नंदी की जो मूर्ति खंडित हो गई है वो खंडित करके इसको क्यों करे अनजान में हुई या उनसे जानबूझ कर हुआ ये परमात्मा जाने। कोई नंबर ट्रेस होया कोई? नहीं, नंबर गाड़ी का ट्रेस नहीं हो सके, नंबर नहीं आया आज का। ये हमारे पास नंदी जी का कान जो है ना खंडित करके जी। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया आपने? पुलिस को मैं 5 बजे रिपोर्ट कर आए थे, एप्लीकेशन दिए आए थे कि मंदिर में चोरी होगी, पुलिस वाले आए हैं वो सारी फोटो वगैरह ट्रेस करके ले गए हैं, वो कंधे जी हम 10 बजे आएंगे फिर उसके बाद कार्रवाई करें। इससे पहले भी कोई इस तरह की वारदात हुई है चोरी कभी मंदिर? सर ये 2010-11 में एक बार जो है ना हमारी यहाँ चोरी हुई थी, वो गल्ला उठा ले गए थे, वो गल्ला यही 7 वाला ग्राउंड में मिल गया था हमें, उसमें 500-700 हजार रुपए होंगे वो निकाल लेंगे। इसके अलावा और तो कोई चोरी नहीं? उसके बाद कोई चोरी नहीं, इसकी कोई और चोरी नहीं, गले नहीं छेड़े और कोई चीज नहीं छेड़ रखी जी। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।